आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे बैरिया ऑर्चर लाहौर फेस फोर की अहमियत और डिमांड, क्यों इसकी इतनी अहमियत है और क्यों मार्केट में इसकी एक डिमांड है, इतनी एक हाइप क्यों क्रिएट हुई है और क्यों पिछले कुछ अर्से में इसकी रेट्स जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ आए हैं। कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से जो है गाइड करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सी डी पी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो एक न्यू अपडेट के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बैरिया ऑर्चर लाहौर के हवाले से। बैरिया ऑर्चर लाहौर में मौजूद बैरिया ऑर्चर का फेस फोर, जिसकी लोकेशन बिल्कुल मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर आती है और जैसे कि आपको आइडिया है कि कमिंग फ्यूचर एक बहुत बड़ा जो है वो कमर्शियल हब बनने जा रहा है बैरिया ऑर्चर का जो फेस फोर है, जिसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ डेवलपर्स की तरफ से बैरिया टाउन के ऑथराइज डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पे जो है कमर्शियल मॉल्स की जो डील दी गई थी एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है स्टार्ट हो चुकी हुई है और कमिंग फ्यूचर बहुत जल्द जो है आपको ये मॉल ना सिर्फ बनते हुए पोजेशन मिलते हुए जो है नज़र भी आएंगे, जिसमें से सबसे पहले जिस मॉल का पोजेशन मिलने जा रहा है वो है ऑर्चर्ड मॉल। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टाइम्स केयर की, काफ़ी फास्ट ट्रैक पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके अलावा ऑर्चर्ड मॉल की के बाद टाइम्स केयर और टाइम्स केयर के बाद जो है क्यू बाज़ार की इंशाल्लाह बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगी है। तो आने वाले 3 से 4 साल में हम देखेंगे कि बैरिया ऑर्चर का जो फेस फोर है बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे बैरिया ऑर्चर लाहौर फेस फोर की अहमियत और डिमांड, क्यों इसकी इतनी अहमियत है और क्यों मार्केट में इसकी एक डिमांड है, इतनी एक हाइप क्यों क्रिएट हुई है और क्यों पिछले कुछ अर्से में इसकी रेट्स जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ आए हैं। कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से जो है गाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी जो है वो डिमांड की बात करूँ, क्यों इसकी मार्केट में इतनी डिमांड है। जैसे कि आपको आइडिया है कि बैरिया टाउन लाहौर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो LDA से अप्रूव्ड हो गया, मैक्सिमम 95% जो है वो LDA अप्रूव्ड हो गया। गिने चुने ब्लॉक्स हैं अभी भी, लेकिन बहुत लिमिटेड से जाओ एक दो ब्लॉक्स रह गए जो कि अप्रूव नहीं है, बाकी मैक्सिमम जो है वो LDA से अप्रूव्ड हो गया। जो LDA अप्रूव्ड एरिया होता है नॉर्मली आपको जो है वो जब वहाँ पे आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो आपको जो है वो ट्रांसफ़र फीस तो पड़ ही रही होती है, उसके साथ LDA अप्रूव्ड एरिया में जो है वो टैक्सेस वगैरह भी जो आपको पड़ रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो जो लोग प्लॉट वगैरह परचेज कर रहे होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करें, आने वाले को 3-4 माह या 6 माह बाद उसको अच्छे प्रॉफिट के साथ रीसेल करते हैं। तो 3 से 4 माह बाद जो रीसेल के बाद प्रॉफिट आना होता है वो प्रॉफिट आप इनिशियल स्टेज में ट्रांसफर फीस के तौर पर जो है वो आगे पे कर चुके होते हैं। तो इस तरह से जो आपको कमिंग फ्यूचर जो है अच्छा प्रॉफिट जो है नॉर्मली नहीं मिल रहा होता, जिसमें बेसिकली इसीलिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो नॉन LDA प्रूफ को एरिया को जो है वो कंसिडर करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अगर मैं ट्रांसफर फीस की अगर बात करूँ तो नॉन LDA प्रूफ में जहाँ आपको 4 लाख रुपये ट्रांसफर फीस पड़ती है, वहीं आपको LDA प्रूफ एरिया में इससे डबल जो है नॉर्मली ट्रांसफर फीस पे करनी पड़ रही होती है, जिसमें LDA के टैक्सेज जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं, STMS, स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस इनकम टैक्स, ये सारे चार्जेस जो है आपको पड़ रहे होते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंट जो है वो चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। और इसीलिए मैक्सिमम जो लोग हैं जो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बैरिया टाउन या बैरिया ऑर्चर को कंसीडर करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि नॉन LDA अप्रूव्ड एरिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि कमिंग फ्यूचर एक अच्छा प्रॉफिट एक अच्छा रिटर्न जो है वो अर्न कर सकें। तो इसीलिए मैक्सिमम जो लोग हैं बैरिया टाउन से मूव होने के बाद, क्योंकि बैरिया टाउन में मैक्सिमम कैटेगरी थी 10 मरला और 1 कनाल और वो सारा का सारा हो गया LDA अप्रूव्ड। अब बैरिया ऑर्चर की बात करूँ तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 10 मरला और 1 कनाल मिलती है बैरिया ऑर्चर फेस फोर में, क्योंकि फेज वन है वो LDA से अप्रूव्ड है, फेज टू में 5 मरला 8 मरला और फेज थ्री में टोटली 8 मरला। तो 10 मरला कैटेगरी और 1 कनाल कैटेगरी आपको मिलती है बैरिया ऑर्चर फेस फोर में सबसे ज़्यादा। और दूसरी जो इसकी मेन अट्रैक्शन है, क्यों इसकी मार्केट में इतनी डिमांड है और इसकी जो वो अभी क्या वर्थ है मार्केट में, उसकी जो वो सबसे पहली अट्रैक्शन, जैसे कि वीडियो को स्टार्ट में मैंने आपको बताया जिसकी मेन अट्रैक्शन जो है इसका कमर्शियल हब है। जो लोग एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अब बैरिया ऑर्चर फेस फोर में मूव हुए हैं, जिसकी सिर्फ एक वजह नहीं है कि वो 10 मरला और 1 कनाल का ब्लॉक है, उसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह ये है कि मेन ड्राइवन रोड का कमिंग फ्यूचर बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रही है। अभी अगर मैं 10 मरला और 1 कनाल के वहाँ पर रेट्स की बात करूँ फेस फोर में, तो तकरीबन मिनिमम आपको जो प्लॉट है 55 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपये तो 10 मरला के रेट से आ चुके हैं, और 1 कनाल प्लॉट के रेट 1 करोड़ 35 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 2 करोड़ 20 लाख रुपये तक यहाँ पे जो है वो रेट से आ चुके हुए हैं। और यही अगर मैं आने से आज से 1 साल पहले जब ये किसी मॉल को जो है लॉन्चिंग वगैरह नहीं हुई थी, कोई भी मॉल अभी यहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही कोई आने के चांसेस थे, उस वक्त आपको जो है वो ईजिली यहाँ पर जो है प्लॉट मिल जाता था 10 मरला कैटेगरी का तकरीबन 60-65 लाख के अराउंड जो है वो ईजिली आपको बेहतर लोकेशन का प्लॉट मिल जाता था। और इसी तरह से अगर मैं 1 कनाल की बात करूँ तो 1 कनाल का आपको प्लॉट जो है उसको ईजिली जो है यहाँ पे मिनिमम आपको तकरीबन मिलता था 90-95 में 85 में भी मिल जाता था, और बेहतर लोकेशन का कोई 10-15 के राउंड जो है वो ईजिली यहाँ पे आपको जो है 1 कनाल कैटेगरी का जो है प्लॉट मिल जा रहा था। अभी यहाँ पे जो है काफ़ी रेट्स में जो है बेहतरी आ चुकी हुई है, जिसकी जो है मेन अट्रैक्शन मेन इसकी जो वजह है वो यही कमर्शियल हब है जो कि जो है काफ़ी फास्ट ट्रैक है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जी हाँ व्यूअर्स,
जैसे ये कमर्शियल अब जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेन रेवन रोड पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी उनके रेजिडेंट्स हैं, डेवलप सोसाइटीज़ हैं, जितने भी उनके रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने इस कमर्शियल हब के बनने के बाद ऑटोमेटिकली इसी कमर्शियल हब को जॉब अप्रोच करना फॉर मॉल्स वगैरह में परचेजिंग वगैरह करने के लिए और मुख्तलिफ ब्रांड्स में जॉब परचेजिंग वगैरह करने के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा एक फुटफॉल जनरेट होगा, जिसका इंपैक्ट ना सिर्फ इन शॉप्स में पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इस फेस में स्पेसिफिकली जो दसमल और एकना कैटेगरी के सारे बड़े प्लॉट्स हैं उन पर अच्छा खासा जो इंपैक्ट पड़ेगा। फुटफॉल जनरेट होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पे शॉप मॉल्स के अंदर जो शॉप्स हैं जिन लोगों ने परचेज की हुई हैं उनकी शॉप्स की पर स्क्वायर फीट वैल्यू और उनकी रेंटल जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएगी और अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर भी जाती जाएगी शॉप जो है मॉल्स के अंदर। और इसी तरह से जो है वो बैजी ऑर्चर्ड फेस फोर में जो दसमल और एकना कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हो चुके होंगे, मैक्सिमम पॉपुलरेटेड हो चुके होंगे। तो जिन लोगों ने अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी या अभी से पहले जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आने वाले वक्त में उनके लिए जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर जो है जा चुकी होंगी, बहुत ही बेहतरीन जो है अलहमदिल्ला प्रॉफिट के ऊपर जा चुकी होंगी। उस वक्त जो क्लाइंट्स एज अ रेजिडेंशियल पर्पस उस एरिया को कंसिडर करना चाहें इजीली जो है वो कर सकते हैं, और जो लोग उस वक्त जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहें तो बड़े अच्छे और मुनासिब रीजनेबल जो है वो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो इजीली जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को ना सिर्फ सेल कर पाएंगे, इजीली जो है उसको सेल भी कर पाएंगे और दोबारा से भी किसी अच्छी जगह पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो स्पेसिफिकली आज की वीडियो में बताने का आपको मकसद ये था कि कोशिश करें कि बैरी ऑर्चर्ड फेस पर को कंसीडर करें, उसकी वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक तो सबसे बड़ी जिसकी मेन अट्रैक्शन है वो कमर्शियल हब है, दूसरा भी एलडीए अप्रूव्ड नहीं है, ट्रांसफर फीस आपको किसी तरह की नहीं पड़ रही, तीसरा यहाँ पर अभी बड़ी मुनासिब प्राइस में आपको जॉब प्लॉट्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, चौथा जो इसमें मेन अट्रैक्शन है जो कमर्शियल हब है उसमें बड़े ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो शॉप्स ऑफर की जा रही हैं जिसमें गारंटेड रेंटल इनकम आपको ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, गारंटेड रेंटल इनकम जिसमें आपको जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ आपको किसी भी कैटेगरी की कोई भी शॉप लमसम पेमेंट के ऊपर आप अगर परचेज़ करते हैं, एक हैवी अमाउंट उस मॉल्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा गारंटेड जो है रेंटल इनकम आपको ऑफर किया जा रहा है, जब तक आपको इन मॉल्स या इन शॉप्स का जो है पोजेशन नहीं मिल जाता, शॉप्स का पोजेशन मिलने के ऑटोमेटिकली आपकी जो रेंटल वैल्यू अभी 6% अगर आपको ऑफर किया जा रहा है ऑटोमेटिकली इस वक्त 10-12% तक जो आपकी रेंटल वैल्यू जो जा चुकी होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कमर्शियल शॉप्स की, जो लोग इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में परचेज करना चाह रहे होते हैं, लो बजट में परचेज करना चाह रहे होते हैं, अच्छा रेंटल इनकम अर्न करना चाह रहे होते हैं, वो भी बैरी ऑर्चर्ड फेस फोर में जो कमर्शियल हब को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और कमिंग फ्यूचर एक मुनासिब प्राइस में रहते हुए, एक लो बजट में रहते हुए अच्छी लोकेशन की शॉप परचेज कर सकते हैं, कमिंग फ्यूचर अच्छा गारंटेड रेंटल इनकम जो ऑफर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ दसमल और एकना प्लॉट्स की, तो जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिनका बजट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा बजट है, वो दसमल और एकना रेजिडेंशियल प्लॉट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इन मॉल्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा रेंटल इनकम आप अर्न करें, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि आपको आइडिया है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा तेज़ी से जो प्रॉफिट पे जाती है, कम अर्से में अच्छा आपको प्रॉफिट जो है नॉर्मली दी जाती है और अच्छा रेंटल इनकम जो आपको प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लेवल पे कम तेज़ी से प्रॉफिट भी देते हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं। तो अपने माइंड के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक आप वैरी ऑर्चर फेस फोर को कंसीडर करें, कमिंग फ्यूचर अच्छा रेंटल इनकम आप अर्न करें और बड़े मुनासिब प्राइस में आप कमर्शियल मॉल्स में, कमर्शियल शॉप्स में परचेजिंग कर सकते हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आपके माइंड में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो वैरी ऑर्चर फेस फोर के हवाले से, किसी भी तरह के आप इन्वेस्टमेंट करने चाहें, चाहे वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।